हेलो यूट्यूब और उत्तराखंड सफरनामा का वर्क फ्रॉम ऋषिकेश वाला ब्लॉग में आपका स्वागत है। माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग वंडर लॉस्ट ऑन व्हील। तो आज का वाला ब्लॉग में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रॉम वेयर वी आर वर्किंग फ्रॉम ऋषिकेश, माय न्यू वर्क स्टेशन, ब्रॉडबैंड का स्पीड कितना होगा, व्हाट इज द रूम रेंट या फिर टैरिफ पर मंथ वेयर वी आर स्टेइंग, अपना रूम का टूर दिखाऊंगा और फिलहाल ये वाला है अपना रूफटॉप व्यू। ऐसा कैमरा घुमा कर भी दिखाते हैं। वो सामने वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, वो है एम्स ऋषिकेश। और देखिए पूरा चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़। एंड अवे फ्रॉम द हसल बसल लाइफ ऑफ ऋषिकेश वी आर स्टेइंग इन वीरभद्रा रोड शिवाजी नगर करके ये एरिया को बोलते हैं। फर्दर डिटेल्स चलिए रूम में जाके देता हूँ क्योंकि काफी धूप हो रही है। सो लेट मी क्विकली टेक यू फॉर ए रूम टूर बिफोर इट गेट क्लटर्ड अप। तो यहाँ पे है फर्स्ट फ्लोर, ये अपना है सेकंड फ्लोर और ये लॉबी का क्या बोल सकते हैं बड़ा सा कैस्केड वाला विंडो। और अपन अभी रूम में एंट्री ले रहे हैं। सामने एक अच्छा वाला अलमीरा रैक बोल सकते हो इसको, हम लोग बचपन में अलमीरा बोलते थे। ये रखा गया है आपका स्टफिंग्स वगैरह लोड करने के लिए, स्टफिंग्स मतलब क्लॉथ वगैरह इसमें रखने के लिए। ये ना रूम का मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा हल्का हल्का इंटीरियर वाला जो डिज़ाइन दिया गया है ना यहाँ पे एक फिनिशिंग टच देने के लिए बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे देखिए वॉल पेंटिंग किया गया है, यहाँ पे एक रैक है टू वेलकम यू पधारो सा इन राजस्थानी, और ये राजस्थानी वाला मुच्छड़ भाई साहब और उनके लुगाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे छोटे छोटे जो टच दिया गया है ना, जैसे यहाँ पर भी ये देखिए एक छोटा सा पेंटिंग बहुत कूल लग रहा है। ये डाइनिंग एरिया में एक वॉश बेसिन भी दिया गया है हाथ धोने के लिए, काफी बड़ा सा रेस्ट रूम विद गीजर और ये अपना मेघालय वाला बड़ा सा शावर, अच्छा है नीट एंड क्लीन। दिस वन इज ए सेकेंड बेडरूम, लेकिन यहाँ पर ना बेड थोड़ा छोटा है लेकिन आराम से दो जन फिट में आ जाएंगे। बेस्ट थिंग इज इट्स इक्विपाइड विथ एयर कंडीशन, एसी लगा है यहाँ पे, सीलिंग वगैरह का भी डिजाइन किया गया है। और ये वाला चीज मेनली हमें चाहिए था जो कि है किचन, जहां पर हम खुद अपना खाना बना सके। ये फ्रिज पर भी अच्छा खासा पेंटिंग किया गया है क्योंकि एनी को ना लास्ट टाइम बहुत दिक्कत हो रहा था जब मैं होम स्टे लिया था कहां बरोट में, तो वो थोड़ा कॉमर्शियलाइज था तो डेली डेली होटल का खाना भी पसंद नहीं आ रहा था, भले ही होम स्टे हो लेकिन वो मतलब वही मसाला वगैरह रेगुलर मसाला वगैरह सब कुछ यूज कर रहे थे। तो इस बार रानी को था कि हम अपना खाना खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे, नॉर्मल होटल का खाना, क्योंकि वैसे भी हम लोग इस बार काफी ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो इसलिए जितना हो सके वीकडेज में जब हम यहाँ रह के अपना काम कर रहे होंगे तो खुद का खाना बनाएंगे, खुद से खाएंगे जितना हो सके, बाहर का खाना अवॉइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेल्स वगैरह दिया गया है, खाना बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए ना सब दिया गया है यहाँ पे। ये रहा प्लेट्स वगैरह, इधर भी कुकर वगैरह सब कुछ है, बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे इंडक्शन कुकर दिया गया है, गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है। और एक एडिशनल इंडक्शन कुकर हम लोग कैरी कर रहे हैं तो दोनों लगा दिए तो हमारा काम बन जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आरओ यूवी भी दिया गया है तो पानी आपको स्वच्छ शुद्ध पानी मिलेगा। और एक अच्छी बात है कि फ्रिज दिया गया है तो एक टाइम का खाना बनाओ फ्रिज में रखो गर्म करके दो बार हम खा सकते हैं, या फिर लंच में कुछ एक्स्ट्रा बना के डिनर के लिए भी उसको रख सकते हैं। एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम, यार ये पूरा घर जैसा बनाया गया है। मास्टर बेडरूम में भी एसी है, ओबियसली गेस्ट बेडरूम में है तो मास्टर बेडरूम में बनता ही है। यहाँ पे एसी है और काफी बड़ा बेड है, ये आनी है। और यहाँ पे वाईफाई, हमारा काम के लिए हमें मेन चाहिए था कि वाईफाई। सो दिस ब्रॉडबैंड इज फ्रॉम जियो जिसका स्पीड काफी अच्छा है। मैं चेक कर रहा था डाउनलोड स्पीड इज 100 Mbps, अपलोड स्पीड भी 30 से 40 Mbps है, तो मेरा यूट्यूब का वीडियो भी आराम से अपलोड हो जाएगा। और एक बढ़िया चीज लगा इस रूम का, यह है अपना मास्टर बेड और बेड से सुबह सुबह उठते ही आपको ये वाला व्यू मिलेगा। ये देखिए बेडरूम से व्यू जबरदस्त है। हाँ हालांकि ये कॉलोनी वाला जगह है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन व्यू यहाँ से पहाड़ों का बहुत मस्त है। देखिए हम दोनों को चाहिए था कि वीकडे में हम थोड़ा पीसफुली अपना काम करें क्योंकि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो ऋषिकेश का हसल बसल वाला बिजी लाइफ से थोड़ा दूर रहे ताकि हम लोग अपना काम पे फोकस कर सके। तो इसके वजह से हम लोग ढूंढ रहे थे ऐसा स्टे जो कि वो ऋषिकेश का मेन मार्केट से थोड़ा दूर हो, और ये वाला जगह परफेक्ट है हम दोनों के लिए। बस एक दिक्कत है कि ये गली के अंदर ना कार नहीं घुस पा रही है, तो मैं अपना पैंडा को आइदर वहाँ पे नहीं तो इस साइड एक खाली प्लॉट है वहाँ पे पार्क कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम है कि अपना सारा सामान या फिर लगेज जितना भी है गाड़ी से नीचे उतारो और खुद से उठा के लाओ,
ये गली में भाई कम से कम 300 मीटर होगा, उसके बाद सेकंड फ्लोर तक ऊपर लाकर रखने में भाई हालत खराब हो जा रही है। भाई घर में तो हम लोग डेली खाना बनाते हैं क्योंकि अपन दोनों को ही कुक रखना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ खाना बनाना स्पेशल है क्योंकि वी आर कुकिंग एट होम स्टे अवे फ्रॉम होम। तो यहाँ पे खड़े मसाले जितने सारे है ना यहाँ पर रखा गया है, नीचे आम और वो जो ड्राई वेजिटेबल वगैरह प्याज आलू वगैरह हो गया, और बाकी का जितना लीफी वेजिटेबल्स है वो सारे फ्रिज में रख दिया है। अभी फटाफट से मसाला तल के एक मस्त वाला सब्जी बनाते हैं, फिर चलते हैं जल्दी से लॉगिन करने क्योंकि आज वीकडे है। खाना पहले बनाएंगे फिर नहाएंगे धोएंगे उसके बाद कर्म चालू। ये होम स्टे में एक ही दिक्कत है के इधर वॉशिंग मशीन नहीं है, सारे कपड़े हाथ से धोना पड़ रहा है। यहाँ ऋषिकेश में मुझे एक चीज अच्छा लगा कि घर के सामने ऐसे आंगन है, छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे जैसे देखिए आम का पेड़ आम दिख रहा होगा आपको, मकई यानी मेज भी उगाया जा रहा है, बड़े बड़े गार्डन है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, रास्ते क्यों इतने पतले, ये जो इतने नैरो नैरो लेंस है ना इसमें एक कार का भी जाना मुश्किल है। तो अब बात करते हैं पैसे की। मुझे ये रूम आया 850 रुपीज पर डे के हिसाब से, और एक बेस्ट चीज ये प्लेस का है कि ड्यूरिंग वीकेंड्स जब मैं ट्रैवल करूंगा उस टाइम मैं चेकआउट कर जाऊंगा और वापस से जब चेक इन करूंगा फिर से मेरा टैरिफ कंटिन्यू रहेगा। सो 850 पर डे इज नॉट अ बैड डील फॉर 2 BHK विथ AC एंड इंटरनेट। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये ऋषिकेश का नहीं है, मैं अभी हूँ लेह लद्दाख में हाँ। और इसका ब्लॉग जल्दी आने वाला है आफ्टर उत्तराखंड सफरनामा, तो रुकावट के लिए इसलिए खेत था मैं जो प्राइस बताया ना, इट इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी। हो सकता है आपको डाउन सीजन या फिर ऑफ सीजन में इससे सस्ते में मिल जाए या फिर पिक सीजन में इससे ज्यादा प्राइस में आपको रूम्स मिले। तो रूम्स का एग्जैक्ट प्राइस जिस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे ना जानने के लिए यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट साई आश्रय, शायद साई आश्रय है वो जो प्रॉपर्टी का नाम है। आई विल शेयर द लिंक ऑफ Airbnb इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और अगर ओनर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए देन डू फॉलो मी एंड DM मी ऑन Instagram। तो अब एक काम करते हैं वीडियो रिज्यूम करते हैं, एंड क्योंकि दिस वीडियो इज रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम ऋषिकेश और हिमालय, तो मैं आपको अभी अपना प्लान शेयर करूंगा हाउ आई एम मैनेजिंग वर्किंग प्लस ट्रैवल, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्योंकि आई नीड द हेल्प ऑफ कैलेंडर। तो जून 10th को हम छुट्टी डाले और 10, 11, 12, 3 डेज में वी रीच्ड ऋषिकेश। उसके बाद ऑन 13, 14, 15 वी वर्क फ्रॉम ऋषिकेश, फिर हम छुट्टी अप्लाई किया 16, 17 एंड 20, 21, टोटल हमें मिल गया 6 डेज जिसमें वी कवर्ड बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। देन वी रिज्यूम वर्किंग फ्रॉम 22nd, 23rd, 24th, उसके बाद 25th, 26th सैटरडे संडे और एक छुट्टी इंक्लूड कर दिया 27th वेयर वी कंप्लीटेड आवर गंगोत्री सर्किट। And thereafter we started working on 28, 29, 30 till 1st July in Rishikesh. And हमारा plan है कि 2nd और 3rd को we will travel to Manali. Then in Manali we will work from 4, 5, 6, 7. उसके बाद हम 2 हफ्ते का continuous छुट्टी डालेंगे starting from 8th. मतलब 8th तक अलग से छुट्टी जाएगा. Then 11, 12, 13 till 15. उसके बाद 18, 19, 20. Till 22nd and then 25th से we will resume working for 5 days from Chandigarh. जिसके बाद हम लोग फिर से एक leave apply करेंगे on 1st of August and ये जो 3 दिन है ना इसमें we will get back to Bangalore. मेरा पूरा का पूरा travel and stay status देने के बाद अब क्या? अब सोच रहा हूँ since our channel is related to travel blog, ऐसे रूम के अंदर बैठे बैठे वीडियो बनाने में मजा नहीं आ रहा है, तो चलिए आप लोगों को देहरादून का एक चक्कर लगा के आता हूँ, उसके बाद वीडियो को फुल स्टॉप करते हैं। तो इस प्यारा सा सनसेट के सामने है एम्स ऋषिकेश, यह है एम्स ऋषिकेश और हमारा स्टे बिल्कुल यह एम्स के पीछे ही है। लास्ट टाइम आनी और मैं काफी बार यहाँ पे आए थे सिंगसुप द बार, तो सोचे कि चलो देहरादून में अपना पुराने अड्डे पे चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। ये देखिए देहरादून में हमें क्या मिल गया, एरो डाइनिन, एरोप्लेन के थीम में यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया गया है। बाय द वे हम लोग ये रेस्टोरेंट ना क्रॉस करके आगे चले गए थे, आनी को यहाँ पे फोटो खिंचानी थी तो बोली कि नहीं यू टर्न लीजिए वापस चलते हैं, फोटो खींचेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अरे वाह वहाँ पे एक फाइटर जेट भी है।
भाई मस्त है सिस्टम यहाँ का। नहीं जा रही है अभी फ्लाइट में। वाह बहुत अच्छा थीम में बनाया है ये वाला रेस्टोरेंट, एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट। ये देखिए बाहर का व्यू, मगर ये उड़ नहीं रहा है। यहाँ पर कॉकपिट भी है लेकिन पायलट नहीं है। बहुत मस्त थीम है यार भाई। ये तो पूरा एयरबस और बोइंग है, बड़ा वाला है, 300 पैसेंजर लेके जाएगा। So with this, वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ गया। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। See you soon in another new ब्लॉग। Until then, stay fit, stay safe. टाटा।